यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन, और इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे लगा क्यों ना इसे शूट कर लिया जाए। तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो ब्रेकफास्ट का रहता है वो किस तरह का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंडियन ब्रेकफास्ट मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं ग्रीन टी के लिए वाटर बॉइल करूँगी, और मेरे घर में सिर्फ मैं सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं। और मैं ये वाली ग्रीन टी यूज़ करूँगी, इसका नाम मैं कहीं पे लिंक कर दूँगी। और ये मूंग दाल मैंने ओवरनाइट सोक करके रखी थी, इसके मैं चीले बनाऊँगी। इस बीच में मैं इसे पीस भी लूँगी जब तक कि मेरा वाटर बॉयल होता है। जब मेरी ग्रीन टी का वाटर बॉयल हो जाएगा तो मैं गैस है उसे बंद कर दूँगी। तो आप में से किसी ने मुझे बताया था, मुझे नाम याद नहीं है, कि ग्रीन टी को बॉयल साथ में नहीं करना चाहिए, जब पानी गर्म हो जाए उसके बाद आप ग्रीन टी डालिए, गैस ऑफ कर दीजिए और इसे ढक के रख दीजिए। तो इससे जो ग्रीन टी की बेनिफिट्स हैं वो जाते नहीं हैं। तो मैं इसे ढक के रख दूँगी कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और इसी बीच में मैं अपने हस्बैंड के लिए मिल्क बनाऊँगी। वो सुबह उठ के मिल्क पीते हैं, और वो भी बॉर्नवीटा वाला, मतलब वो प्लेन मिल्क नहीं पीते, और ये ठंडा दूध है और उन्हें ठंडा दूध पसंद है। तो ये मैंने डायरेक्टली ठंडा दूध ही लिया है। और फिर मैं इसमें बॉर्नवीटा डालूंगी, और मैं इसमें 3 चम्मच भर के बॉर्नवीटा डालती हूँ। मैं चम्मच चेक कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसमें शायद गीली चम्मच डाल दी जल्दबाजी में। तो 3 चम्मच मैं बॉर्नवीटा डालूंगी इसमें, और इसे मिला लूँगी। और थोड़ा सा बॉर्नवीटा मैंने भी खा लिया है। सो मैं इसे मिक्स करूँगी। और फिर मैं इसे अपने हस्बैंड के पास ले जाऊंगी उन्हें देने। इसी बीच में जो मेरा थोड़ा सा बैटर पीसना और बचा है मैं उसे भी पीस लूंगी। इसकी जो रेसिपी है वो आपको कुकिंग जोन में मिल जाएगी, अगर आपको मूंग दाल के चीले की रेसिपी चाहिए तो। तो मैं इसमें भी हरी मिर्च पीस रही हूँ साथ में, और अदरक पीस रही हूँ। अब मेरा जो बैटर है वो भी बन गया है, और अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी। इसके बाद मैं योगा करने जाती हूँ, तो इसीलिए मैं पहले ग्रीन टी पीऊँगी, उसके 15-20 मिनट बाद मैं योगा करने जाऊँगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ सुबह सुबह, तो मैंने इसे ढक दिया है। मैं बीच बीच में ग्रीन टी के सिप भी ले रही हूँ, और साथ में मैंने जो चने हैं, काले चने, वो बॉयल करके रखे हैं। अब मैं डेली ब्रेकफास्ट में इसे यूज़ कर रही हूँ, या तो इसे स्प्राउट करके या बॉयल करके। तो एक जो चने हैं वो भी मैंने निकाल दिए हैं, और उसे भी मैं ढक के अब मैं जा रही हूँ योगा करने। योगा करने के बाद मैं नहाऊँगी, और नहाने के बाद मैं आके जो पूरा अपना ब्रेकफास्ट है उसे तैयार करूँगी। और नहा धो के योगा करके मैं आ गई हूँ। अब मैं चढ़ा रही हूँ चाय, तो चाय बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो फ्रूट्स हैं वो भी तैयार करके रख लिए हैं। अभी मैं अनार काटने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने अनार अलग कर दिया है, और फ्रूट्स मैंने एप्पल अलग कर दिए हैं, क्योंकि अभी मैं एप्पल काटूंगी तो वो थोड़े काले हो जाएंगे। तो मैं प्याज काट रही हूँ, और मैं प्याज को डालूंगी अपने चने में और मूंग दाल के जो चीला है उसके बैटर में। और मेरे फेसेस ऐसे ही रहते हैं प्याज काटते टाइम। सो एक प्याज मैं डालूंगी चने में। आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं इसमें। तो अभी मैं इसमें से प्याज काट के डाल रही हूँ, बाद में जो भी इंग्रेडिएंट है मैं बाद में ऐड करूंगी। और इसमें भी प्याज आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और इस बीच में मैं अपने हस्बैंड के साथ केबीसी खेल रही हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। तो हम लोग केबीसी खेलते हैं सुबह डेली। और अब मैं इसमें हरी मिर्च काट के डालूंगी। तो स्टिल केबीसी जो सेशन है वो ऑन है, मतलब अभी भी केबीसी चल रहा था हम लोगों के बीच में। सो अब मैं अपनी चाय की तैयारी करना शुरू करूँगी। मैंने इसमें अदरक डाल दी है, फिर मैं इसमें शक्कर डालूँगी, और फिर मैं इसमें डालूँगी पत्ती, और फिर थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए छोड़ दूँगी। अदरक के बिना चाय इनकम्प्लीट रहती है, मैं अदरक के बिना चाय नहीं पी सकती।
और मैंने एक जगह पे तवा भी रख दिया है ताकि मैं अपने चीले हाथ के हाथ बनाती जाऊँ। और दूध मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, मैं कभी भी दूध मेजर करके नहीं डालती, वो एक अंदाज़ा हो जाता है काम करते करते। और इस तरह से मैं चेक करती हूँ कि मेरा तवा गर्म है या नहीं। तवे के ऊपर एक हीट आने लगती है, उससे आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी इस पे, नॉन स्टिक तवा है फिर भी, क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है आपका जो मूंग दाल का चीला है अगर आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं तो। मैं मूंग दाल का चीला भी फैला दूंगी। इस बीच में अपने जो चने हैं उन्हें तैयार करूंगी और मैं इसमें टमाटर डाल लूंगी। टमाटर से जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बॉयल्ड आलू भी डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें डालूंगी मिर्ची, नींबू और नमक, और इसे मैं मिक्स कर दूंगी। और तब तक जो मेरा चीला है वो एक साइड से पक जाएगा, और जो मेरी चाय है वो आप देख रहे हैं बॉयल भी हो रही है साथ के साथ। और इसी बीच में मैं एप्पल भी काट लूँगी। अभी मैं एक एप्पल काटूँगी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए अगर भी एप्पल काटूँगी तो वो ब्लैक हो जाएगा, मतलब काला पड़ने लगेगा। तो एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो आप लोग अगर हाउसवाइफ हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ कितने सारे काम करने पड़ जाते हैं सुबह सुबह। और मैंने जो अपने चने हैं वो टेस्ट किए तो उसमें थोड़ा नमक कम है, क्योंकि चने में हमेशा मेरा ये रहता है कि नमक थोड़ा कम ही रह जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल के वापस से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इनकी प्लेट लगाऊंगी जल्दी जल्दी। और इसमें मैंने सेब डाल दिया है और मैंने इसमें चीला भी डाल दिया है, और जब तक मैं दूसरा चीला भी डाल दूंगी ताकि जो जब ये चीला मुझसे मांगे तो जो मेरा चीला है वो तैयार रहे। तो इसीलिए मैंने दूसरा चीला भी इसमें डाल दिया है तवे पे, तब तक वो भी कुक हो जाएगा जब तक कि मैं इनकी प्लेट लगाऊंगी। फिर मैं चाय छान लूंगी। और चाय के बिना हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है, चाहे पराठा हो या पोहा, हमें चाय चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉस, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, पर मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला उसके बाद कि मैं चटनी तैयार करती। और फिर मैं इनके इनके लिए काले चने भी रख दूंगी, हालांकि ये बहुत पसंद नहीं करते हैं, पर फिर भी मैं बहुत फोर्स करके खिलाती हूँ इन्हें काले चने। ये काफ़ी हेल्दी रहते हैं, आप भी इसे अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इनका जो नाश्ता है वो हो गया है तैयार और मैं इन्हें दे के आती हूँ। इस बीच में मैं अपने लिए भी चीले तैयार करती जाऊंगी। और इनके लिए भी तैयार करती जाऊंगी, मतलब कॉन्स्टेंटली जो काम है वो चलता रहेगा। तो इन्हें मैं छीला देके आती हूँ। और अब मैं जो अपनी भूख है उसे शांत नहीं कर पाई तो मैं अपने जो चने हैं वो खा रही हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ जब मैं योगा कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना है तो मैं खड़े खड़े ही रसोई में खाना शुरू कर देती हूँ। हाँ, मैं गैस वाली चीज़ नहीं खा पाती जो गर्म गर्म है, ऑब्वियसली उसे नहीं खा सकती मैं, तो चने बहुत ज़्यादा वो हैं। और इस बीच में मैंने थोड़ा डांस भी कर लिया और बोजो भी आ गया आई थिंक। हाँ, और जो मेरा चीला है उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे बन रहे हैं चीले। सो अब आ गई है मेरे प्लेट लगाने की बारी। इनका हो गया है खाना, और साथ में मैं अपनी प्लेट लगाने से पहले, क्योंकि मेड आने वाली है तो मैं थोड़ी सफाई भी कर लूँगी।
और अपनी चाय भी गर्म करूंगी। तो मैंने अपने लिए बनाए हैं दो चीले और मैं रखूंगी इसमें सॉस, थोड़े से चने, चाय, और इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो गया है। मैंने आपको पूरा रूटीन दिखा दिया है। और मैंने लिए हैं दो चीले और एक कटोरी मैंने ली है चने और सॉस और चाय। और जो जितने भी बर्तन थे रसोई मैंने साफ़ कर दी, और जितने भी बर्तन थे वो मेड आके साफ़ करेगी। ये था मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन, जिसमें चीले की जगह कई बार पोहा हो जाता है। और अब मैं स्प्राउट्स ले रही हूँ या चने ज़रूर ले रही हूँ, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रूट्स मैं 12-1 बजे के आसपास खाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को ये खाना है। और अपने हस्बैंड के लिए मैं फ्रूट्स पैक करके दे देती हूँ, तो इससे क्या होता है जब 12-1 बजते तो वो ही फ्रूट्स खा लेते हैं, और उसके बाद लंच टाइम होता है। फाइनली यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन पसंद आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको एक रेड बटन दिखेगा वहाँ पे जाके क्लिक करिए, और बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और रूटीन्स भी देखने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को 500 लाइक दीजिए ताकि मैं एक इंडियन हाउसवाइफ रूटीन भी कर पाऊँ। गाइस मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।